करण, अगर आपकी बात करें तो आपकी फिल्म ब्राइट कलर्स, बड़े बड़े सेट्स, ये सब होती है, तो इस फिल्म में कितने ब्राइट कलर्स दिखेंगे, कितना डार्क शेड दिखेगा, क्या क्या होगा? जी बिल्कुल, ये नैरो लाइक की फिल्म नहीं है ये फिल्म मेकर्स की कहानी है। आपने शेड कार्ड बना दिया इस फिल्म को, डार्क लाइट, मीडियम ग्रे, ऐसा कुछ नहीं है। करण जौहर का ये रिएक्शन फिल्म बॉम्बे टॉकीज को लेकर है, जिसके लिए डायरेक्टर्स अनुराग कश्यप, दिवाकर बैनर्जी, खुद करण जौहर और जोया अख्तर पहली बार आए हैं एक साथ। वेल, बॉलीवुड के इन चार फिल्म मेकर्स की इस यूनिक क्रिएशन ने अपने थिएट्रिकल ट्रेलर से ही सबका अटेंशन ग्रैब कर लिया है, जिसके फर्स्ट लुक लॉन्च पर भी दिखा कुछ ऐसा ही नजारा। क्या 100 साल समेट पाएगा ये फिल्म जो हमने इंडस्ट्री में देखा है फिलहाल अब तक, जो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस फिल्म में? जी, इतने टैलेंटेड तो हम भी नहीं है कि 100 साल सिनेमा का हम 2 घंटों में समेट ले, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ये फिल्म 100 में से 1 भी साल नहीं समेटती है, फैंस को सेलिब्रेट करती है, और सिनेमा का दखल हमारी जिंदगी में किस हद तक है फिल्म उसको सेलिब्रेट करती है। ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, इन्हें हमेशा पिक्चरों में एकदम स्टार बन जाते हैं, स्टारडम मिल जाता है। डायरेक्टर की अगर बात करें तो इस मूवी से डायरेक्टर भी इतनी बड़ी स्टारडम पाएंगे? नहीं, नहीं हो सकता। करण सर, करण सर, हाँ जी, मिडिल, मिडिल जी, मिडिल सर। मेरा एक पहले फिल्म होती थी 3 घंटे की या 2.5 घंटे की, अब धीरे धीरे होकर 15 मिनट्स आ गई सर, तो क्या रीजन है सर? ये कौन सी फिल्म है? ये देखिए, ये जस्ट टू स्पेसिफाई, ये कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं होगा मिडिल। ये ऐसा नहीं कि मेरी नेक्स्ट फिल्म भी 20 मिनट की होगी और हम सब की अगले की फिल्म 20-25 मिनट की होगी, ऐसा नहीं है। इतना एक्सट्रीम हम नहीं जा रहे सर। जब 2.5 घंटे की फिल्म होती है, अगर अच्छी स्क्रिप्ट होती है तो और मन करता है देखने का। जी जी। तो क्या स्क्रिप्ट कम आ रही है या अच्छे फिल्म नहीं आ रहे जिसके कारण आप लोगों को 10 या 15 मिनट की फिल्म बनानी पड़ रही है? I am going to say, can we have another question, please? इस फिल्म के प्रमोशन के लिए किस तरह की तकनीकी अपनाई जाएगी? देखिए, हाँ बिल्कुल, हमने आपको यहाँ बुलाया है, एंड बियॉन्ड दैट वी आर ऑल गोइंग टू डांस टू शीला की जवानी टुगेदर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। अनुराग जी की फिल्म डार्क शेड होती है, जोया की अपनी अलग कहानी बताने का तरीका होता है, दिवाकर जी का अलग होता है, तो इस फिल्म में कितने ब्राइट कलर्स दिखेंगे, कितना डार्क शेड दिखेगा, क्या क्या होगा? जी बिल्कुल, ये नैरो लाइक की फिल्म नहीं है ये फिल्म मेकर्स की कहानी है। आपने शेड कार्ड बना दिया इस फिल्म को, डार्क लाइट, मीडियम ग्रे, ऐसा कुछ नहीं है। हम भावनाएं को डिपेंड कर रहे हैं, इमोशंस को दिखा रहे हैं, कहानियां बता रहे हैं, किरदारों के सफर की कहानियां बता रहे हैं। आप तो आपने ड्यूलक्स बन गया। आप सिर्फ इतना ही नहीं, इस मौके पर वन ऑफ द गैंग मेंबर्स करण जौहर ने खुलेआम एडमिट भी किया कि उनके लिए इस फिल्म का पार्ट बनना कितना मुश्किल और पेनफुल रहा। It was traumatic. I was very scared A, sharing a platform with them. B, I've never made a film in budget. It's never happened. I'm the hugest liability for Dharma Productions. मुझे लाइफ में कभी किसी ने एक बजट नहीं दिया, 1.5 करोड़ का बजट से इसमें पिक्चर बनाओ, ये मेरे साथ लाइफ में नहीं हुआ है। Thirdly, brevity is not my strength at all. I am very long-winded about everything. My films are long, the process is long, everything in my life is long. Pun not intended. And so it's been a very traumatic, really difficult time. वैसे आपको बता दें कि बॉम्बे टॉकीज के जरिए ये चार फिल्म मेकर्स प्रेजेंट कर रहे हैं 20-20 मिनट्स की एक एक कहानी, जिसे लेकर ये चौकड़ी दिखी सुपर एक्साइटेड। आप लोग अगर अपनी हर कोई अपनी कहानी को, अपनी शॉर्ट फिल्म को एक टाइटल से बयां कर सके तो वो क्या टाइटल होगा? मेरी फिल्म का अगर टाइटल होता तो होता स्टार। शीला की जवानी। अजीब दास्तान है ये। मुरब्बा। My film is about an 8-year-old boy who wants to grow up and be Sheila. And I cast Katrina in it. My film is about a failed actor and a failed man who has his last chance. जिस तरह से ट्रेलर में देखा गया कि वो एक किरदार दिखाया जो कहीं अचार का डब्बा लेके बच्चन साहब के घर के सामने है, कुछ उस तरह का कुछ देखने को मिलेगा कि एक फैन कितनी मशक्कत के बाद ट्रेन में चल के धक्के खा के यहाँ पहुँचता है और उसका अचार का डब्बा बच्चन साहब तक नहीं पहुँचता है। आप 3 तारीख को देखिएगा। अब तो हमें भी इंतजार है 3rd of May का, जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के ये चार धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर पेश करेंगे बॉलीवुड का सबसे यूनिक मोमेंट। वी ऑल सॉ ईच अदर्स फिल्म्स एंड वी आर वेरी हैप्पी विद द फिल्म बॉम्बे टॉकीज। दैट्स ऑल वी लाइक। सो हियर्स होपिंग कि इनका ये एफर्ट ऑडियंस को भी पसंद आए। गुड लक।